गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे कंटिन्यू चल रहा है ब्लॉग, हेयर कट और शेविंग कराते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद। पहुंच गए हैं तो गुड इवनिंग गाइस, अब बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फ़र्क लगा है कुछ तो, थोड़ा सा हाँ हेयर स्टाइल भी थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा छोटे कर दे, मेरे से रख ही नहीं जा रहे तो बस अब चलो चलते हैं। फर्क लगा है यहाँ पे, कुछ ट्रैफिक सा फंस गया है। ये आ गया है हमारा विदांश स्वीट शॉप, काफ़ी फेमस है विकास नगर की। अब यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे जहाँ आगे वाली कार जा रही है, उसके बाद हम पकड़ लिए हैं अब विकास नगर सारा छोड़ छाड़ के, अब हम निकल गए हैं देहरादून रोड पे। अब आएगा हरपटपुर, हरपटपुर से फिर हमने फिर लेफ्ट लेना है और सीधा देहरादून के लिए निकलेंगे। टापो टाप निकलना इसलिए है क्योंकि हम पहले से ही लेट हैं, 7:15 तो यहीं बज गए और अभी देहरादून जाना है और अपने मैं अब भतीजे से भी मिल पाऊँगा। तुम बोलोगे यार तुम तो बराबर भाई लगते हो, छोटा भाई बड़ा भाई, पर बड़े भाई छोटा भाई नहीं है, मेरा भतीजा है, वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा, वो मेरे साथ जाएगा, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे तो कंटिन्यू चलते हैं। तो गाइस पहुंच गए हैं हरपटपुर, अब यहाँ से हम लेंगे अपना लेफ्ट। आ गए हम देहरादून हाईवे पे, बस ये हरपटपुर क्रॉस करना है उसके बाद। तो गाइस पहुंच गए हैं सैंसपुर और रास्ते से मैंने अपनी फेवरेट चीज गेवर, मुझे बहुत पसंद है गेवर, तो मैंने अभी गेवर लिया है। तो अभी थोड़ा सा हाईवे इसको ट्रैफिक ट्रैफिक ज़रा बाहर जाए उससे निकलूँगा तो खाऊँ, में बहुत भूख लग रही है सही में, इतनी भूख लग रही है कि बस गाइस बहुत लंबा ट्रैफिक है, बहुत लंबा बहुत। तो गाइस आ गए हैं हम अब अपना हाईवे छोड़ के, स्पीड वगैरह मुझे दिखा नहीं पा रही तो बस अब यहाँ से राइट लेके सीधा दिल्ली हाईवे। अब बता दो मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद, क्यों जा रहा हूँ गाजियाबाद, जा रहा हूँ मम्मा को लेने, मम्मा गाजियाबाद है, हो गए 10-15 दिन से, शायद हम आज ही वापस आ जाएं देहरादून, आज ही शायद देहरादून वापस आ जाऊँ, कि असल में कल शायद मम्मा को डॉक्टर को भी दिखाना है, थोड़ा चेकअप कराना है, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके पता लगेगा। पहले तो चाय चाहिए कड़क्के वाली, भाई बटर फुट बटर पाना, मज़ा आ गया भाई साहब। ऑनलाइन कितना से भाई जी? 105 भाई को खाते देते हैं। जैसे मिलवाना था ये हमारे भतीजे जी हैं, लग रहा है ना बराबर का, हाँ इसका भी सिस्टम है, कोई बात नहीं रख ले यार, हो गया। ये यूपी में आता है ना, उत्तराखंड से सस्ता है महंगा है? उत्तराखंड से यहाँ महंगा है, चलते हैं, नेट स्लो चल रहा
हो गया। तो गाइस निकल गए हैं, पॉल्यूशन भी हो गया है और पेट्रोल डीजल भी डल गया है, रेंज भी दिखा रहा है ठीक ठाक, एवरेज सही दे रही है गाड़ी, क्योंकि हाईवे में चलता मैं आराम से ही हूँ। जैसे आगे चलते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तो अब तो सब कुछ हो गया, अब बस पेट में डालने कुछ, बस यहाँ से लेंगे हम राइट। बहुत भीड़ है भाई साहब, फ्री में वाटर क्या पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अब चलते हैं अंदर, करते हैं पेट पूजा, आपको भी कराते हैं, हल्का भी होंगे थोड़ा थोड़ा। तो गाइस पहुंच गए अपने लोकेशन पे, क्या है ऑप्शन में, क्या खाएं, भूख लगी है, कहें पराठा ऑप्शन कहें, ये रहा पनीर पराठा, स्टफ पराठा, मसाला, निकल गए हैं दोबारा से। जाना है सीधा, ट्रैफिक है ना, इस पे ट्रैफिक नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। वेलकम टू नाटी। सेफ्टी भी तो है, ये तो बदले है ना, तो अब चलते हैं, कैसी लगी जगह। कभी भी आप इस हाईवे पे आए, कभी दिल्ली हाईवे पे, तो देहरादून से दिल्ली जो हाईवे पड़ता है इसमें बहुत सारे हैं, मूलचंद है, ग्रैंड चीतल है, और काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। पर अच्छा है ये, मतलब जो हमने ब्रेकफास्ट किया अभी। गाइस यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे चल जाएगा, के एम पी चल चढ़ रहे हैं बस। साइड लगाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस करते हैं, फिर ड्राइवर चेंज करते हैं, मैं थोड़ी देर सोऊंगा। बस गाइस पहुंच गए हैं और दान प्रदान भी जरूरी है, भाई का ही मन था यार चाकू दे दो, पूरी चला लिया, थोड़ी सी चला दो, तो मैंने कहा चल यार तो चला ले। बाकी पहुंच गए हैं ये टोल बूथ पे, मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं रह गया, यहाँ से रह गया थोड़ा सा, और हाईवे बहुत ज़बरदस्त है। तो चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, भाई गाड़ी चलाएगा। भाई गाड़ी चलाएगा, हम आपसे बातचीत करेंगे थोड़ी सी, क्यों कर लें कि नहीं कर लें। गाजियाबाद और घर जा रहे हैं, हाँ मैप ले जाएगा, वहाँ से जाएंगे। इस गाड़ी के पीछे ले लो, लेफ्ट ले लो यहाँ से। गाइस पहुँच गए फाइनली